हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, जो कि मैं एक कच्चे आलू से बनाई हूँ। तो ये जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ हेल्दी भी है, और ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। ये रेसिपी आप लोग अपने बच्चे को टिफ़िन में दे सकते हैं और आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ का आलू ले रही हूँ, ये कच्चा आलू है। पहले इसका छिलका को निकाल लेते हैं इस तरह से, उसके बाद इसको ग्रेट कर लेंगे इस तरह, और सारे आलू को एक बर्तन पानी में रखेंगे ताकि हमारा आलू जो है वो काला ना पड़े। और गैस में एक कढ़ाई को मैं गर्म करने के लिए बैठा दी हूँ, तो गैस तो हमारा जो कढ़ाई है वो गर्म हो गया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 गिलास पानी, और पानी में हल्का सा बॉयल आने के बाद इसमें मैं हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और जो ग्रेट करके रखे थे आलू उसको भी ऐड कर लेंगे, और थोड़ा देर इसको बॉयल करके इसको कुक होने देंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 3 मिनट में कुक हो जाता है। तो देखिए, ये आलू हमारा अच्छे से कुक हो गया है। आंच को अभी सिम कर लेंगे और इसमें सूजी ऐड करेंगे, और आपको पानी देख के सूजी यहाँ पे ऐड करना चाहिए, और धीरे धीरे सूजी को ऐड करते हुए एक थिक बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे लगभग 2 से 3 कप सूजी मैं यहाँ पे ऐड कर ली हूँ, और देखिए हमारा बैटर भी रेडी हो गया है। इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक थाली ले रही हूँ, और थाली में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे अच्छे से, और ऑयल को इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे हाथों की मदद से, और बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। सारे जो बैटर हम लोग सूजी का बनाए थे इसमें अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, ताकि हमारा जो सूजी मिक्सचर है वो ठंडा हो जाएगा। करछी की मदद से इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे, और नहीं तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगाते हुए इस तरह से स्प्रेड करेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम लोग एक कढ़ाई में तेल गरम करने रख देंगे। तो हमारा जो सूजी बैटर है वो ठंडा हो गया है। अभी इसको चाकू की मदद से इस तरह से काट लेंगे। आपको जो भी शेप पसंद है उसी हिसाब से आप यहाँ पर काट सकते हैं। तो मैं आज स्क्वायर वाला शेप से काट रही हूँ, इस तरह से जैसे ढोकला का साइज होता है, शेप होता है उसी तरह से, ये देखिए। और अभी इसको फ्राई करेंगे। एक साइड जब कुक हो जाएगा उसको दूसरा साइड पलट लेते हैं, और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। ये जो ब्रेकफास्ट की रेसिपी है आप लोग अपने बच्चे लोगों को टिफ़िन में दे सकते हैं, और बहुत ही ये जल्दी झटपट बन के रेडी हो जाता है, 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाता है। तो देखिए, ये हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो फ्राई हो गया है। इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में इस तरह सा, और भी सारे को फ्राई कर लेते हैं। ये मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है। जब ये पहली बार अपने टिफ़िन में स्कूल लेके गई थी, बच्चे लोग बहुत ही पसंद किए थे। तो जब भी वो डिमांड करती है तो मैं ये उसके लिए बना देती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे मैंने फ्राई कर ली हूँ। ये देखिए कितना प्यारे सा कलर भी आया है, देख सकते हैं। देखिए, एक आलू से मैं इतना सारा जो ब्रेकफास्ट है बना कर रेडी कर ली हूँ। तो इसको अभी सॉस, टमाटर सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो आशा करती हूँ आज का जो रेसिपी है आप लोग को पसंद आया होगा। और देखिए, मैं अभी तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट भी है।